फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर एके सिंह और आज फिर हम अपने यानी कि आज से हम क्या करेंगे, यूजीसी नेट की अंतिम तैयारी करेंगे। और आप सभी को पता है कि अभी ये हमारे पास मुश्किल से मोटे मोटे तौर पर 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं, यानी कि 18 तारीख को आपका पेपर है और 18 तारीख के आपको पेपर के यानी कि 18 तारीख का पेपर के तौर पर लास्ट रिविज़न कराया जा रहा है। जो आपको वीडियो यानी जो भी हमारे से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ना भी जुड़ा हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और जुड़ने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूजीसी नेट के जो आपको कराए गए थे यानी कि प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट के तौर पर बनाए गए, मेगा महामैराथन के तौर पर कराई गई है। और मेगा महामैराथन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ साथ आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराए गए। और प्रीवियस ईयर और मेगा मैराथन और कहीं ना कहीं जो आपको इससे यानी कि इसके साथ साथ एक वीडियो और मिल रही होगी जो कि आपके किससे रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर के पेपरों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कहीं ना कहीं आने की संभावना है, जो रिपीट होने की संभावना है वो। और ये वीडियो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट बैठेगी पूरे यूजीसी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं अपनी मेहनत को डबल कर देना है और डबल करने से कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। तो वो जो वीडियो यानी कि इससे पहले वाली आप देखोगे कि दो वीडियो मिल रही हैं आपको, तो यूजीसी नेट के नाम पर, और यूजीसी नेट के नाम पर जो लास्ट उसमें लिखा हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसमें क्या है आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, यानी टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं कि जो आपके रिपीट होने के चांसेस हैं, और रिपीट होने के चांसेस, और उसमें क्या है आपके पेपर के जो यानी पेपर में जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांसेस है उसमें वो बताए गए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसलिए हम चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियो को क्या करना है यानी कि वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों के पास और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख देना है। तो चलिए अपने हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके रिपीट होने के चांसेस हैं उन्हें देखेंगे, और उन्हें देखेंगे तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर यानी कि आज क्या है L1 यानी कि लेसन नंबर 1। और लेसन नंबर 1 में कौन सा है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। इसके ऊपर यानी कि पहले चैप्टर के तौर पर क्वेश्चन देखेंगे। अब पहले क्वेश्चन में यानी कि पहले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए जो आपका क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बैठता है कौन सा, यानी कि भारतीय पुस्तकालय, जो भारतीय पुस्तकालय आंदोलन है यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी जो आपका था आंदोलन, उसमें वो आया कब, उसे ला यानी कि लाने वाले कौन थे। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलता है कि आपका बड़ोदरा लाइब्रेरी यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी, ठीक है, आया कब, यानी कि आपको पता होगा सबको 1910, ठीक है। फिर लाने वाले कौन थे, यानी कि आपके शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय, जिसे हम क्या कहते हैं आपके, आपको क्या मिलेगा महाराज, यानी कि महाराज शिवाजी राय गायकवाड़ मिल सकता है, शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय मिल सकता है, SR गायकवाड़ तृतीय मिल सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे फेमस क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, यानी कि शिवाजी रॉय गायकवाड़ तृतीय, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो Z-39 है, यानी कि Z-39 आपका Z-39 किससे संबंधित है, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 TC-46, ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं Z-39 और TC आपका। तो Z-39 किससे, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है सर्वर है जो कि कहीं ना कहीं TC यानी कि आपका किससे संबंधित है, आपके TCP यानी कि और IP इंटरनेट नेटवर्क के डाटाबेस की जानकारी खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपका आता है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, क्या है, एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तौर पर माना जाता है, लिख लीजिए
एक मिनट, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये आ जाएगा एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं रिपीट के तौर पर देखने के लिए मिल सकता है। अब ये क्या है, यानी TC46 क्या है, ये आपका ISO TC46 या SC9, ये क्या है, ISO तकनीक समिति, यानी कि आपका 9वीं उप समिति और सूचना संसाधनों की ओर की एक तरह से पहचान कराता है। और ये आया कब, यानी अप्रैल 2008 में आपको देखने के मिलता है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से इसका सचिवालय, यानी सचिवालय के तौर पर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये भी लिख लीजिए, ये आपके किसके अंदर है, ANSI के तौर, USA के तौर पर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका ISO के तकनीक के तौर पर मिलता है। फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो फेमस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन कौन सा फेमस क्वेश्चन है आ जाता है, यानी कि PhD और MPhil वाला, यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है जो PhD और जिसने MPhil कराई है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में आपके PhD और आपके MPhil कौन सी यूनिवर्सिटी ने कराई है, ये सबको पता होगा या ये भी नहीं पता। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है MPhil एंड PhD फर्स्ट यूनिवर्सिटी, तो इसमें कौन सी आएगी, आपकी आ जाती है दिल्ली विश्वविद्यालय, क्या आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कई बार आपके नेट में, इसरो के एग्ज़ाम में, राजस्थान लाइब्रेरी में, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लाइब्रेरी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आ जाता है। और जो आपकी फैकल्टी है, यानी कि आपकी बी लीव है, एम लीव है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि बी लीव कहाँ आई शुरू में, एम लीव कहाँ पर आई, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कहीं ना कहीं आपको PhD डिग्री कब शुरू हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी PhD वाला आपको क्वेश्चन आपको पता चल गया भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी है, MPhil वाला क्वेश्चन आपको पता चल गया कहाँ पर है, यानी कि MPhil, देखो इसमें एक और चीज़ मान लिख लीजिए, MPhil हो गया, PhD हो गया आपका, MLeave और लिख लीजिए, MLeave यानी कि एम लाइब्रेरी साइंस, ये भी आपका कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आपको पता लगेगा PhD हो गई, MPhil हो गई, और आपका ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी यानी कि भारत में कब और कहां पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई थी, तो पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला जो आपका केंद्र था एक तरह से, या फिर एक तरह से पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो एक तरह से ओरिजिन मानते हैं, हम किसे मानते हैं, हम मानते हैं यानी कि आपके जो कहीं ना कहीं यानी कि एक तरह से मान के चलते हैं बड़ोदरा लाइब्रेरी को, यानी कि बड़ोदरा लाइब्रेरी में आपके दो यानी कि शिवाजी राय गायकवाड़ ने क्या कहा था 1910 में, यानी कि 1910 के बाद 1911 में लेके चलते हैं हमसे, 1911 में कहीं ना कहीं लाइब्रेरी साइंस की एक तरह से अमेरिका के नागरिक को बुलाया था। और उस अमेरिकन नागरिक का नाम क्या था, उस अमेरिकन नागरिक का नाम था विलियम एले सन बॉर्डन, ठीक है, ये नाम याद कर लेना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक कन्फ्यूज़न ये भी हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि 1910 लिखे हैं या 1911 है, 1910 ही हो, पर कहीं ना कहीं आपको 1911 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी जो टर्म है, जैसे कि आपकी क्या होती है, एक आपका घर बनने की तारीख होती है, एक आपके घर बन के तैयार होने की तारीख होती है, तो वो दो तारीखों में कन्फ्यूज़ आपको कर दिया जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपसे पूछी जा सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपसे NAPLIS ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर हम डाल देते हैं, ये आपका हो जाएगा 5वां नंबर का क्वेश्चन,
तो NAPLIS के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। NAPLIS क्या है, यानी कि इसमें आपका नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है इसके, यानी कि इसमें क्या पूछा जा सकता है कि आया कब। सबसे पहली बात आती है, आपको पता होना चाहिए आया कब। भैया ये आपका आया था 1986 में। लाने वाले कौन थे जी आपके, डीपी चट्टोपाध्याय, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाने वाले कौन थे, डीपी चट्टोपाध्याय, ठीक है। अब डीपी चट्टोपाध्याय से ही आपका एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपकी आ जाती है समिति, ठीक है। समिति क्या है, यानी सिन्हा समिति किसने का क्या काम था, आपके एस आर रंगनाथन कमेटी का काम क्या था, डी बी कृष्णा राव कमेटी का काम क्या था आपका, ये सारे कमेटी आपसे पूछी जाती हैं। और यहीं पर आपका क्या हो जाता है, एक तरह से मार खा जाते हो, ये क्वेश्चन आपका फेमस क्वेश्चनों में मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके कमेटी के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन आपका आ जाता है सिन्हा कमेटी। तो क्या करा है सिन्हा कमेटी ने, आपका आ जाता है इस, ये किस किस लिए संबंधित है, ये आपके आ जाते हैं पंचायत ब्लॉक आपका, और क्या करा था इसने, जिला एवं राज्य स्तर पर लाइब्रेरी, ठीक है। फिर आपसे कुछ क्या पूछा जा सकता है, यानी कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन कमेटी, इसने क्या किया, आपके पुस्तकालय इश स्टाफ संख्या, ठीक है, ये आ जाएगा। आठ नंबर क्या है, हम लेके चलेंगे आपका रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर एंड डॉक्टर डी बी कृष्णा राव, ठीक है। ये क्या है, कृषि पुस्तकालय, यानी कि कृषि लाइब्रेरी का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम, ठीक है, यह आपको देखने के लिए मिल सकता है। और आखिरी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, नौवें नंबर पे हम लेके चलेंगे डॉक्टर जे बैरो कमेटी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, केंद्रीय चिकित्सक लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके आ जाते हैं सैडलर यानी कि सैडलर हो गया, हंटर कमीशन हो गया, सीनियर सेकेंडरी कमीशन हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गए, ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, देखो मैं इसे भी लिख देता हूँ, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं सैडलर कमीशन यानी कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किस में हो, हायर लेवल में हो, यानी कि आपका हायर लेवल है आपका सैडलर कमीशन, ठीक है। तो ये आपका कब आया, 1917, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 1911 हंटर कमीशन, ये आपका आ जाएगा 1882। फिर आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, ठीक है।
आपसे फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हमसे हम पूछ लेते हैं, UGC कब आया, यानी कि UGC आपको कब पता होना चाहिए। UGC का पेपर दे रहे हो तो UGC आपको पता होना चाहिए कि UGC आया कब था, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको UGC के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ से इस संबंधित एक और आ जाता है, फिर कमीशन यहाँ से लेके चलते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कोठारी कमीशन, आपका कोठारी कमीशन कब आया, राधा कृष्ण कमीशन कब आया, KP सिन्हा कमीशन कब आया, रंगनाथन कमीशन कब आया। तो आपसे पैसे से पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कोठारी, क्योंकि अगर आप एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको कोठारी कमीशन, ये कहीं ना कहीं इस तरह के कमीशन आपको पता होने चाहिए। तो कोठारी कमीशन कब आया था, कोठारी कमीशन आया था आपका 1964 से लेकर 66 के बीच में। फिर आपका आ जाता है आपका आपका राधा कृष्ण कमीशन, यानी कि राधा कृष्ण कमीशन, ये आपका कब आया 1948 में, ठीक है। फिर आपका क्या है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है KP सिन्हा कमीशन, जिसे हम सिन्हा कमीशन के नाम से भी जानते हैं, KP सिन्हा समिति, हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है, समिति, ठीक है, ये आ जाएगा 1957। फिर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि रंगनाथन समिति। ये क्वेश्चन वो हैं जो कहीं ना कहीं आपके रिपीट होने के चांसेस हैं, ये पहले चैप्टर की ही क्वेश्चन है, यानी कि पहले चैप्टर से कहीं ना कहीं जो चैप्टर वाइज आपको कहीं ना कहीं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्वेश्चन के तौर पर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें, इस चैप्टर में आपका कहीं ना कहीं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मैं सारे लिखवा दूंगा और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर NKC, यानी कि NKC क्या है, ये क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन, आया कब, 2005 में, ठीक है। NKC आपको पता होना चाहिए, NKC आया कब था, 2005 में, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसकी जो रिपोर्ट थी आपके लिए, यानी कि जो नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट की जो बात हुई थी 2006 से और 2009 तक की लाइब्रेरी की बात हुई थी, यानी इसमें क्या हुआ था, एक तरह से जो नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू नेशनल, एक तरह से 6 से 9 की बात आई थी, पुस्तकालयों के बारे में आई थी। फिर वो कहीं ना कहीं एक तरह से संबंधित आपके लाइब्रेरी में रही भी है, नहीं भी रही है, तो इसलिए उसे एक तरह से अननोन के तौर पे लेके चलते हैं, छोड़ दीजिए इसे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए कि एक तरह से रिपोर्ट कब आई थी, 6 से 9 के बीच में करीब आपको देखने के लिए मिली थी। चलिए आगे देखते हैं हम क्या है, यानी हंटर कमीशन और सारे कमीशन आपको बता दें, KP सिन्हा कमीशन, ये सारे पूछे जा सकते हैं, यानी कि हंटर कमीशन, KP सिन्हा कमीशन, रंगनाथन कमीशन आपका, और आपका कोठारी कमीशन, ये सारे कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइब्रेरी जो हमारा कहीं ना कहीं लाइब्रेरी किसके अंदर आता है, यानी कि लाइब्रेरी जो है वो किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो लाइब्रेरी आपको किसके अंतर्गत देखने मिलता है, लाइब्रेरी आपको संस्कृति मंत्रालय के तौर पर देखने के लिए मिलता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट को 6.5 यानी कि 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियमित करने की सिफारिश करी। लिखिए इस क्वेश्चन को। तो इसका क्वेश्चन क्या है, यानी कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय यानी कि VV के कुल, VV तो पता है विश्वविद्यालय लिखा जाता है, ठीक है, बजट, क्योंकि पता है कोई किसी बच्चे ने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो विश्वविद्यालय शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, ने पुस्तकालय के लिए नियमित करने की
सिफारिश की। अब कौन था वो? वो था आपका राधाकृष्ण उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि राधा कृष्ण उच्चतर शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, ये आयोग कहीं ना कहीं आपके किसके लिए, 6.5 के लिए। ध्यान रखना राधा कृष्ण किसके लिए, 6.5 के लिए। बस इतना याद करो, ऐसे याद करो जिससे आपको पता चल जाए। अब आपका 10% व्यय वाली बात किसमें है, यानी 10% व्यय वाली बात जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कि 10% व्यय वाली बात किसमें है। तो 10% व्यय वाली बात आ जाएगी, यानी कि आपका किसमें आ जाएगा, 10% व्यय किसके अंतर्गत आ जाता है, तो 10% व्यय आपका आ जाएगा, यानी कि आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं, यानी कि पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए आयोग ने सिफारिश की। किसके, अब इसमें कौन सा बजट आ जाएगा या फिर किसकी बात आएगी, ये ध्यान रखना, इसमें आता है आपका कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी समिति, समिति। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये 10% वाला क्वेश्चन आप याद कर लेना, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो एक 6.5 एक 10% वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे, यानी कि इसे लिख लीजिए, लिखिए फैजी कमीशन कब आया था, 1939 में। यह अनुशंसा की इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपी राइट लाइब्रेरी के रूप में निर्देशित किया जाएगा। तो यह आपको पता होना चाहिए कि क्या किसके लिए निर्देशित है, कहीं ना कहीं आपके कॉपीराइट एक्ट के, या फिर एक तरह से इसके तौर पर आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या नाम पुस्तकालय समिति किससे है और लाइब्रेरी समिति किससे। ये क्वेश्चन आपका मैंने करा ही दिया है, राधा कृष्ण वाला कमीशन वाला करा दिया है, कहीं ना कहीं ये आपको यानी कि सारे के सारे जितने मेन कमीशन थे वो कहीं ना कहीं करा चुका हूँ। तो चलिए आगे, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चलिए आगे चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि पाठ्यचर्या विकास समिति, यानी कि पाठ्यचर्या विकास समिति के है आपके, इसमें आ जाएगा आपका PN खेलवा। ठीक है, ये कब आया आपका, 1992 में। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, पाठ्यचर्या विकास समिति, समिति
इसमें आपसे कुछ क्या किससे पूछा था, सी आर केरी से डेपा, ये आपका आ जाता है 2001 में, ठीक है। ये दोनों पूछे जा सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि लाइब्रेरी पर कार्यकारी समूह, ये किससे पूछा जा सकता है, 1964। फिर इसके बाद क्या पूछा जा सकता है, बड़ोदरा लाइब्रेरी, बड़ोदरा लाइब्रेरी मैंने आपको पहले बार आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या है, आपके जो रिपीट होने के चांसेस रहते हैं या फिर हो सकते हैं। फिर एक आपके आपका मिशन यानी कि देखो कोठारी कमीशन को पकड़ लो, सेडलर कमीशन को पकड़ लो, फैजी समिति को पकड़ लो, ये कमीशन जो है कहीं ना कहीं आपके सामने यूजीसी नेट में आपको एक तरह से घूमते हुए मिलेंगे, यानी घूमते हुए मिलेंगे मतलब कि आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि इन कमीशनों के बारे में, एनकेसी के बारे में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो पहले चैप्टर में आपके जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन के बारे में वो आपको मैंने करा दिए। अब आपका बचा है कम्युनिकेशन में टाइप थ्योरीज एंड मोड्स। कम्युनिकेशन में टाइप्स थ्योरी और मोड्स में कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, जिसमें आपका क्या है, जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको हाई लिख के भेजा, ठीक है। ये किसके पास गया, आपके पास गया, ये आपका हाई, यानी कि मैंने मैसेज करा हाई का, आपके पास गया हाई का, ये क्या है, ये बीच में क्या है, ये क्या है, माध्यम। तो यानी कि मैं कौन हुआ, सेंडर हुआ। एक चीज़ ध्यान रखना, ये बस इसी चीज़ से मैं आपको समझा दूंगा, ये क्या हुआ, सेंडर हुआ, ये कौन हुआ, रिसीवर हुआ, ये कौन हुआ, माध्यम हुआ, ठीक है। सेंडर, रिसीवर, माध्यम, ये तीनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, सेंडर, रिसीवर, माध्यम, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाता है फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, टू वे कहीं ना कहीं, तो ये क्वेश्चन आपको कल करा दूंगा, क्योंकि जिसमें आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन का चैप्टर में अलग क्वेश्चन में सारे के सारे अलग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन थे कहीं ना कहीं पहले चैप्टर के, जो इन्फॉर्मेशन चैप्टर था उसमें सारे क्वेश्चन मैंने छाट के करा दिए हैं, जो रिपीट होने के चांसेस हैं, और ये रिपीट होने के चांसेस आपके तभी बेनिफिट करेंगे जब आप क्या करोगे, इस चीज़ को समझोगे, यूज़ करोगे और कहीं ना कहीं उसको अपने पेपर में अप्लाई करोगे। क्या करना है, जो 14 कहीं ना कहीं आपको मेगा मैराथन कराई गई उन्हें, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर को, और ये जो दो वीडियो आपको मिल रही हैं ये सारी की सारी आपको लगातार कहीं ना कहीं एक तरह से मैं तो ये कहूँगा आपको दो दो तीन तीन बार जितना टाइम मिले, अगर आपको तीन बार भी टाइम मिल रहा है तो तीन बार रट लो, बस अब रटने का काम ही रह रहा है, रट लो इन्हें, रट के यानी एक तरह से रट के घोट के पी जाओ, जिससे क्या करो एक तरह से 18 तारीख को उल्टी करो, यानी कि 18 तारीख को उल्टी करने का मतलब क्या, गोले काले करने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, थैंक यू।